दोस्तों सीरियल में हो चुकी है बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर की एंट्री, जिसका नाम है भंवर पाटिल और ये एक पुलिस वाला है। सभी के कंप्लेन करने पर भंवर पाटिल सीधे पहुंच जाता है राव साहेब को अरेस्ट करने, लेकिन उस वक्त भंवर पाटिल के पास कोई भी सबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से राव साहेब बच जाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सभी ने जो है भंवर पाटिल को बहुत बड़ा सबूत दे दिया है, जिसकी वजह से अब जो है भंवर पाटिल राव साहेब के खिलाफ बहुत ही बड़ा एक्शन लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कैसे सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार की आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर फाइनली दोस्तों करणवीर बोहरा मतलब कि यहां पर भंवर पाटिल की एंट्री हो चुकी है और भंवर पाटिल एक पुलिस वाला है। जब यहां पर सभी की कंप्लेन वो पुलिस वाला नहीं लेता है तो भंवर पाटिल आकर सभी की कंप्लेन लेता है और राव साहेब को अरेस्ट करने के लिए कॉलेज पहुंच जाता है। और जब ईशान को पता लगता है कि राव साहेब को अरेस्ट करने के लिए यहां पर पुलिस वाला आया है, तो ईशान जो है कहता है क्या आप किस जुर्म में जो है राव साहेब को अरेस्ट करने आए हो। सभी कहती है कि ये कंप्लेन की है क्योंकि राव साहब ने मेरी दुकान में आग लगाई है और यह सब राव साहब ने मेरे सामने कन्फेस किया है। ईशान कहता है सभी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम राव साहब के बारे में यह सब क्या बोल रही हो। दोस्तों यहाँ पर भंवर पाटिल का जो है कैरेक्टर पूरा ही साइको है। यहाँ पर भंवर पाटिल कहता है कि लड़की से क्या बात कर रहा है, मुझसे बात कर, मैं इनको अरेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन आके बात करना। लेकिन उतने में ही जो है ईशान का वकील आ जाता है और यहाँ पर वो राव साहब के बिल के पेपर तैयार कर आ जाता है और यहाँ पर वो भंवर पाटिल से कहता है कि ये रहे इनके बिल के पेपर और अब आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। भंवर पाटिल कहता है कि आज तो आप बच गए लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और सभी जी मैं आपको तो इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। जिसके बाद भंवर पाटिल सभी से कहता है कि आपके पास कोई तो ऐसा सबूत होगा जिससे ये साबित होकर राव साहेब ने ही आपकी दुकान में आग लगाई है। जिसके बाद सभी कहती है कि उन्होंने मेरे सामने खुद कन्फेस किया है कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उन्होंने ही मेरी दुकान में आग लगाई है और मुझे पेपर लीक के भी आरोप में फंसाया, उन्होंने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। जिसके बाद भंवर पाटिल कहता है कि उन्होंने तुम्हें ये सब बोला है, एक बात सुनो, जब राव साहेब ने तुम्हें ये सब बात बताई तुम कहाँ थे, मतलब कि राव साहेब ने जब तुम्हें चैलेंज करते हुए कहा कि ये सब मैंने ही किया है उस वक्त तुम कहाँ थे। अभी कहती है कि सर इससे इसका क्या लेना देना, हम तो कॉलेज की लिफ्ट के अंदर खड़े थे और कॉलेज की लिफ्ट के अंदर ही जो है राव साहेब ने मुझे ये सब बताया। जिसके बाद भंवर पाटिल कहता है कि सभी जी याद कीजिए, क्या उस लिफ्ट में कैमरा वगैरह है, अगर उस लिफ्ट में कैमरा होगा तो राव साहेब ने जो भी तुम्हारे सामने बोला वो सब जो है उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका होगा। जिसके बाद सभी कहती है कि सर मुझे याद नहीं है कि उस लिफ्ट में कैमरा है या नहीं। जिसके बाद भंवर पाटिल कहता है कि अगर उस लिफ्ट के अंदर कैमरा होगा तो हमें वो वीडियो जल्द से जल्द ढूंढनी होगी और उस वीडियो में जो है हमें राव साहेब के खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो सोचिए इस दुनिया में कोई ताकत जो है उसे मुझसे नहीं बचा सकती। वेल दोस्तों यहाँ पर भंवर पाटिल को राव साहेब के खिलाफ सबूत मिल पाएगा या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और भाई यहाँ अब करणवीर बोहरा की एंट्री से जो है ईशान और इसके बीच में बहुत ही 36 का आंकड़ा रहने वाला है और अब जो है ड्रामे में और भी ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। वेल दोस्तों आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखना, चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।